देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। शाहिद कपूर आज अपना 42 बर्थडे मना रहे हैं। शाहिद कपूर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय पर शाहिद करीना कपूर के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में बने रहे थे। अब ये पूरी स्टोरी क्या है जानने की क्यूरियोसिटी तो आपको भी फॉर श्योर हो ही रही होगी, तो चलिए जानते हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और करीना कपूर की लव स्टोरी एक वक्त पर खूब चर्चाओं में रही थी। शाहिद करीना करीब 3 साल से ज्यादा रिलेशनशिप में रहे थे। करीना कपूर पहली बार शाहिद से साल 2004 में फिल्म फिदा के सेट पर मिली थी। पहली नजर में ही करीना को शाहिद पसंद आ गए थे और वो शाहिद की अदाओं पर फिदा हो गई थी। शाहिद को देखकर करीना इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्होंने बिना देरी किए शाहिद को प्रपोज कर दिया था। खुद करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की थी। करीना ने बताया था कि उन्होंने कई बार फोन और मैसेज किए थे, तब जाकर शाहिद ने उनका प्रपोजल स्वीकार किया था। भले ही शाहिद करीना की जोड़ी पर्दे पर बहुत कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन रियल लाइफ में इनके लव अफेयर के किस्से खूब सुर्खियों में बने रहे थे। दोनों के बीच नजदीकियां इस कदर थी कि एक समय पर लोगों को लगने लगा था कि दोनों पूरी जिंदगी तक साथ रहने वाले हैं। फिल्म ओमकारा की शूटिंग के वक्त सैफ अली खान के सामने ही करीना कपूर ने शाहिद को किस कर लिया था। हालांकि बाद में करीना और शाहिद का ब्रेकअप हो गया। करीना ने सैफ अली खान से ही शादी कर ली और शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से शादी कर ली। आज शाहिद और मीरा राजपूत की जोड़ी बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ियों में से एक में गिनी जाती है। शाहिद ने अपने से 13 साल छोटी मीरा राजपूत से साल 2015 में शादी कर ली थी। शादी के वक्त मीरा राजपूत सिर्फ 21 साल की थी। आज शाहिद और मीरा के 2 बच्चे हैं। शाहिद कपूर ने साल 2003 में फिल्म इश्क विश्क से डेब्यू किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई। हालांकि इसके बाद शाहिद ने बैक टू बैक कई फ्लॉप फिल्में दी। साल 2006 में फिल्म विवाह ने शाहिद कपूर को एक बहुत ही बड़ा ब्रेक दिया और फिर फिल्म जब वी मेट ने शाहिद की किस्मत ही बदल डाली। शाहिद ने कमीने, पद्मावत, बेशरम, बदमाश कंपनी, जर्सी, फुल एंड फाइनल और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी फिल्में की हैं। हाल ही में शाहिद कपूर की फिल्म फर्जी OTT पर रिलीज हुई है। फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो डेफिनेटली ही एक मस्ट वॉच फिल्म है। और मेरे ओपिनियन में भी, मैं अपना ओपिनियन ही यहाँ पे बता रही हूँ कि वो एक बहुत ही शानदार फिल्म, सीरीज है, वो बहुत ही शानदार सीरीज है जो एक बार सबको देखनी चाहिए, मस्ट वॉच। आप भी इस वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।